वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर का एग्जाम 29 जुलाई को ही होने जा रहा है। कमीशन ने बार बार इसका कन्फर्मेशन भी दिया है, और यहाँ देखिए अभी कल का ही कन्फर्मेशन है। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है उसकी अटकलों पर विराम लगाते हुए अब इसकी तैयारियाँ और तेज़ हो गई हैं। यानी कि ये पेपर जो है आपका 29 तारीख को ही होने जा रहा है। ठीक है, परीक्षा स्थगित होने की अटकलें हो गई ख़त्म। याद रखिए, आपको जिस तरह से व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में मैसेजेस वगैरह चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं कि अभी स्टे लगेगा एग्ज़ाम पर, ये एग्ज़ाम नहीं होगा अभी, आप भी भेज रहे हैं, हमें भी भेज रहे हैं, खुद भी दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी। तो और दूसरा एक रोल नंबर्स को लेकर आ रहा है कि जिन्होंने एक साथ फॉर्म भरे थे उनके रोल नंबर बिल्कुल पास पास हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात एडमिट कार्ड की, बात करेंगे एडमिट कार्ड। मैंने एक वीडियो बनाया था कल कि आपके रोल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं वेबसाइट पर, तो रोल नंबर्स इसीलिए दिख रहे हैं कि आपके एडमिट कार्ड तैयार हो चुके हैं, और आज शाम तक जो है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, एलटी गेट शिक्षक भर्ती में जो है प्रवेश पत्र यूपीपीएससी शनिवार तक शाम तक वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के फ़ोन पर मैसेज भी आ चुके हैं, उनके जो होम, जैसे कहा गया था कि जो आपके एग्जाम सेंटर है वो आपका होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ के मैसेजेस पर जो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं ना देकर काफ़ी काफ़ी दूर के डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट किए गए हैं। ठीक है, लेकिन वो कंफर्म हो जाएगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज आज जो है वेबसाइट पर जो है आप जो है चेक कर सकते हैं बार बार जाकर उसको, शाम शाम तक, या किसी वक्त आज भी कर सकते हैं, उससे पहले भी हो सकता है अपलोड हो जाए दिन में ही, अभी सुबह के वक्त में 10 बजे के बाद आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट को। तो एडमिट कार्ड वगैरह आप इशू हो जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है अभी। बस आप अपनी तैयारी अब दुरुस्त करिए, जितना भी बचा हुआ है ये समय 7 या 8 दिन का, इसमें रिवाइज कर लीजिए जितना भी आपने पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है तो भी सिंगल टाइम पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं हर चैप्टर के पीछे आपके मेन सब्जेक्ट के, सबको रिवाइज कर लीजिए, चाहे जीएस के हों। ठीक, तो अनअकैडमी पर अगर रिवाइज करना चाह रहे हैं जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आप उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उनके। ठीक है, आप कभी भी किसी के लिए, किसी एग्जाम के लिए भी अगर जनरल स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लेसन से आप कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में रहने देते हैं, इतना ही। थैंक यू।